हेलो फ्रेंड्स, गेटिंग टू रेस्पिरेशन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। वी विल बिगिन नाउ वेंटिलेशन। सो व्हाट इज वेंटिलेशन? द वर्ड वेंटिलेशन रिफर्स टू सर्कुलेशन और रिप्लेसमेंट ऑफ एयर और गैस इन अ स्पेस। तो वेंटिलेशन का मतलब क्या है? वेंटिलेशन का कहना ऐसा होता है कि जहाँ पर सर्कुलेशन ऑफ एयर या एयर रिप्लेस कर दी जाती है किसी भी स्पेस में, उसे हम वेंटिलेशन ऐसा कहते हैं। तो रेस्पिरेशन में वेंटिलेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? तो इन रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, वेंटिलेशन इज द रेट एट विच एयर एंटर्स और लीव्स द लंग्स। तो जिस रेट से हवा लंग्स के अंदर और बाहर चला जाता है उसे हम वेंटिलेशन ऐसा कहते हैं। सो दिस वेंटिलेशन इज नाउ ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज पल्मोनरी, सेकेंड इज अल्वियोलर वेंटिलेशन। सो वॉट इज पल्मोनरी वेंटिलेशन? The volume of air moving in and out of respiratory tract in a given unit of time during quiet breathing. So, जब हम आराम से सांस ले रहे हैं तो जो volume of air lungs के अंदर या बाहर या respiratory tract के अंदर आके फिर बाहर जा रहा है, ठीक है, तो उस volume को हम pulmonary ventilation कहते हैं। और उसको मेजर कैसे करते हैं? तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिनट वेंटिलेशन और रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम, RMV, ऐसा हमने उसको डेजिग्नेट करके रखा है। तो इसका नॉर्मल वैल्यू और कैलकुलेशन आपको आगे दिखाई दे रहा है। तो नॉर्मल वैल्यू ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन है 6000 ml, इट मीन्स 6 liters per minute, यानी 6 liter हवा अंदर या बाहर जाती है एक मिनट में। सो फॉर्मूला कैसा है इसका? तो टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रेस्पिरेशन। सो इट इज़ कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला पल्मोनरी वेंटिलेशन इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी रेट। तो हमने देखा था कि 500 ml टाइडल वॉल्यूम होता है और क्वाइट ब्रीदिंग में जनरली रेस्पिरेटरी रेट 12 रेस्पिरेशंस पर मिनट होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको पल्मोनरी वेंटिलेशन का नॉर्मल वैल्यू मिल जाता है, जो कि है 6000 ml पर मिनट। नेक्स्ट आता है अल्वियोलर वेंटिलेशन। सो अल्वियोलर वेंटिलेशन इज़ द अमाउंट ऑफ एयर यूटिलाइज्ड फॉर गैसियस एक्सचेंज एवरी मिनट। अभी द एयर दैट कम्स इन द लंग्स इट विल गो इनटू अल्वियोलाई एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द अल्वियोलाई विल कम बैक इनटू द लंग्स। तो जो अल्वियोलर लेवल पे जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, उनको हम अल्वियोलर वेंटिलेशन ऐसा कहते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ एयर सब्जेक्टेड फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज द अल्वियोलर वेंटिलेशन। सो द अमाउंट ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज एक्सचेंज्ड, है ना, विच इज एक्सचेंज लीड्स टू अल्वियोलर वेंटिलेशन। सो अभी इसमें कौन सी हवा को हम मानते नहीं हैं? तो एयर ट्रैप्ड इन द रेस्पिरेटरी पैसेज, जिसे डेड स्पेस भी कहते हैं, डज नॉट टेक पार्ट इन गैसियस एक्सचेंज। तो रेस्पिरेटरी पैसेज में भी कुछ एयर बचा होता है, लेकिन यह एयर एल्वियोलाई में भी नहीं जाता है, ना कि यह लंग्स में वापस बाहर निकल जाता है। इस एयर को हम डेड स्पेस एयर ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट, अभी अल्वियोलर वेंटिलेशन का कैलकुलेशन। सो नॉर्मल वैल्यू ऑफ अल्वियोलर वेंटिलेशन इज 4200 ml, यानी 4.2 liters per minute। इसका फॉर्मूला क्या है? तो अल्वियोलर वेंटिलेशन इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस इनटू रेस्पिरेटरी रेट। पल्मोनरी वेंटिलेशन में हमने देखा था टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय रेस्पिरेटरी रेट। अल्वियोलर वेंटिलेशन में हमको डेड स्पेस एयर माइनस करना है टाइडल वॉल्यूम में से। सो 500 ml टाइडल वॉल्यूम है, डेड स्पेस एयर का वॉल्यूम होता है 150, तो 500 माइनस 150 इंटू 12 पर मिनट, तो इट कम्स टू अबाउट 4200 ml पर मिनट, या 4.2 liter प्रति मिनट। अभी हमने देखा कि डेड स्पेस क्या है। तो डेड स्पेस वो हवा है जो रेस्पिरेटरी पैसेज में रहती है और जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती नहीं है। सो लेट अस सी डेड स्पेस। सो डेफिनेशन ऑफ डेड स्पेस, डेड स्पेस इज डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वेयर गैसेस एक्सचेंज डज नॉट टेक प्लेस। एयर प्रेजेंट इन द डेड स्पेस इज हेंस कॉल्ड एज डेड स्पेस एयर। तो जो हवा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहकर भी गैसेस एक्सचेंज में काम करती नहीं है, उसे डेड स्पेस एयर ऐसा कहा जाता है। तो टाइप्स ऑफ डेड स्पेस, देर आर टू टाइप्स, वन इज एनाटॉमिकल डेड स्पेस एंड फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। नाउ एनाटॉमिकल डेड स्पेस, एनाटॉमिकल डेड स्पेस एक्सटेंड्स फ्रॉम नोज अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल। सो नाक से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल तक जो स्पेस है उसे एनाटॉमिकल डेड स्पेस कहते हैं। इट इंक्लूड्स नोज,
pharynx, trachea, bronchi and branches of bronchi up to the terminal bronchioles. So what is physiological dead space? Now anatomical dead space plus two additional volumes. So what are these two additional volumes? So the first volume is non-working alveoli. अगर alveoli काम नहीं कर रहा है शायद किसी disease की वजह से या ख़राब हो चुका है. Second is alveoli with less blood supply. जिस alveoli में blood supply कम है ऐसा alveoli. So air in physiological dead space is called a wasted air. क्योंकि alveoli काम नहीं कर रहा है तो exchange वहाँ पर होता नहीं है. Blood supply कम है तो वहाँ पर भी gaseous exchange possible नहीं होगा. So it is also known as wasted air. Dead space air का volume हमने पिछले calculation में देखा था, it is 150 ml. So यहाँ तक respiration का PPT ख़त्म हो गया है. आप घर में हो तो nitrogen washout method calculate कैसे किया जाता है dead space air volume calculate करने के लिए आप के लिए होमवर्क है. थैंक यू.